अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाली है। सागर की सब्जी मंडी में इन दिनों दहशत का माहौल है। दुकानदारों का दावा है कि लोग यहाँ आने से कतरा रहे हैं और वजह सिर्फ एक है, सफाई कर्मी जो लोगों पर अचानक हमला कर देता है और कुत्ते की तरह लोगों को काट लेता है। इस खबर की तस्दीक के लिए बंसल न्यूज की टीम भी सब्जी मंडी पहुंची। देखिए, सागर के एक युवक के लोगों को कुत्ते की तरह काटने की खबर वायरल हो रही है। इसकी हकीकत जानने बंसल न्यूज की टीम सब्जी मंडी पहुंची। वहां जो पता चला वो बेहद चौंकाने वाला था। आदमियों ने इसको पागल कर दिया, वो पागल था नहीं पहली चीज, और इसको कुत्ते ने काटा है। जब से ये थोड़ा सा और पागल हो गया और थोड़ा सा आदमियों को ही डिस्टर्ब करता है मंडी के अंदर, सुबह मंडी में सब्जी लेने आते हैं आदमी, तो इसको आदमी को कुत्ते जैसी हरकतें भी करता है। हाँ, थोड़ी बहुत कुत्ते जैसी हरकतें भी करता है, लेकिन जब आदमी उसको परेशान करते हैं, ऐसे एक्चुअल में किसी को परेशान नहीं करते के काटने के बाद। हाँ, ये कुत्ते काटने के बाद ही ये स्थिति है, दहशत मची हुई है। इस वजह से यहाँ पे मंडी में आने में आदमी कतरा रहा है और सब्जी लेने के लिए दूसरी जगह भाग रहा है। आप आते हैं? हम आते हैं, लेकिन उसके डर की वजह से हम बहुत मुश्किल से आज डर के आए हुए हैं। सोनू की ऐसी अजीबोगरीब हरकत देखकर हर कोई हैरान है। सोनू अब तक 6 लोगों को काट चुका है। वो एक दिन क्या है, मैं ठेला लेके जा रहा हूँ बाहर मंडी के, तो मेरे को भी लिपट गया, लेकिन मैंने फिर उसको डांटा फटकारा तो जो बड़ी मुश्किल में भागो। कुत्ते से काट रहा है? हाँ, कुत्ते घाई काट रहा हो, एक बाइक को काटा है उन्हें, यहाँ तो खून की धार लग गई। मंडी में सोनू के काटने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई, जिससे अब लोग मंडी में जाने से डर रहे हैं। मामले में और पुख्ता जानकारी के लिए हमने सोनू की तलाश की। दिन भर की मशक्कत के बाद सोनू को तलाश भी लिया, पर वो काफी नशे में था, उसके बात करने का तरीका भी साफ नहीं था। उसने कैमरे पर कुत्ते के काटने की बात मानी, लेकिन लोगों पर हमला करने की बात टालता नजर आया। तुमने काटो है लोगों को? नहीं, हमें नहीं काटो, नहीं काटो। हमें ये छुट्टी में काटो जानने की मामले में एक्सपर्ट यानी डॉक्टर की राय लेने के लिए हम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुँचे। उनके मुताबिक ये सीधे तौर पर तो संभव नहीं है, लेकिन रेबीज के असर से इंसान के न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस को उन्होंने संभव बताया। जिस कुत्ते को रेबीज की बीमारी है और ऐसे कुत्ते ने अगर किसी पर्सन को काटा है और उसने इंजेक्शन नहीं लगाया है, तो ऐसे पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन उसके सिम्टम्स एग्जैक्टली ऐसे नहीं रहते हैं कि वो और लोगों को काटने लगे। और उसके जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं कि वो पानी नहीं पी पाता, कुछ खा नहीं पाता, इरिटेबल रहता है, अंधेरे में रहता है। हाँ, नहीं, ट्रीटमेंट तो अगर उसको रेबीज है, अगर मरीज को, तो मरीज का रेबीज के इन्फेक्शन के बाद तो उसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं, लेकिन हाँ, बाकी लोगों को हार्म ना करे इस चीजों में तो ध्यान देना पड़ेगा। करके इस चौंकाने वाले मामले से एक बात तो साफ है, हर किसी को डॉग बाइट से सतर्क रहने की जरूरत है। ये बात सही है कि सोनू में कुत्ते के काटने के बाद से कुछ बदलाव जरूर आया है, जिसकी वजह से मंडी में काफी दहशत है और लोग यहां आने से डर रहे हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर।